Morning class 2nd students, I'm your English teacher. Today is date 30th of July 2021 and day is Friday. So dear student, today we are going to revise part D of chapter number 1st, and the name of the chapter is the English alphabet. In the previous class we completed, we revised part A, B and C, and today we are going to revise part D, page number 9. Okay, now listen carefully. पार्ट डी, राइट दी फॉलोइंग वर्ड्स इन ए बी सी ऑर्डर. क्या करना हमें, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको हमें ए बी सी ऑर्डर में, जैसे ए बी सी डी वैसे ऑर्डर में लिखना है, जो पहले आएगा वैसे लिखना है. ठीक है, फर्स्ट देखो, लोटस, टुलिप, रोज. ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं, इसमें से ए बी सी ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर हमें ए बी सी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, ए बी सी D E F G H I J K L, L आया ना, फिर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट L लोटस, L के बाद M N O P Q R, फिर उसके बाद R आ रहा है. ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, रोज, R के बाद S D, उसके बाद T आ रहा है, फिर उसके बाद टुलिप लिखेंगे. ठीक है, ये A B C ऑर्डर में आया कि नहीं, पहले L आएगा लोटस, फिर उसके बाद R आएगा रोज, फिर उसके बाद टुलिप आएगा T. ठीक है, अब सेकंड उसी तरह है, डॉग, कैट, पैरोट, सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर ए बी सी, फिर क्या आया, सी आया, फिर हम कैट लिखेंगे, उसके बाद सी के बाद सी डी, डी डी से डॉग, फिर यहाँ डॉग लिखेंगे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, उसके बाद लास्ट आया पी, फिर हमने ये ए बी सी ऑर्डर में लिखा. उसी तरह लिखना है कौ, काउ, हॉर्स, शिप, फिर कौन सा आएगा, ए बी सी, सी आएगा काउ, फिर इसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद एच आएगा, फिर लास्ट में शिप आएगा, वैसे ए बी सी ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, फिर पार्ट ये है, रीड द जंबल्ड सेंटेंस एंड नंबर द वर्ड्स अल्फाबेटिकली. क्या करना हमें, रीड करना, पढ़ना है हमें ये उलझे हुए सेंटेंस को पढ़ना है, एंड नंबर द वर्ड्स अल्फाबेटिकली. अल्फाबेटिकली मतलब जैसे ए बी सी ऑर्डर में उनको नंबरिंग करना है, देन री राइट, दोबारा लिखना है इन करेक्ट ऑर्डर, उसके बाद सही ऑर्डर में हमें लिखना है. ठीक है, अब यहाँ देखो एग्जांपल एक दिया है, ऑल डर्न्स बियर किन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, फिर इसको कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी है. ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, ऑल बियर्स कैन डांस, सारे जो बियर्स बालू है वो नाच सकते हैं. ठीक है, फिर ऑल पहले ये आएगा, फिर बी बियर्स, ऑल बियर्स सारे बालू, कैन सी बी के बाद सी आई कैन डांस, नाच सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा. ठीक है, सेकंड एलिफेंट एंड ग्रेप्स फाउंड, फिर इसका कैसे आएगा, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. ठीक है, फिर इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हम कैसे लिखेंगे, एन एलिफेंट फाउंड ग्रेप्स, एक एलिफेंट को क्या मिला, ग्रेप्स मिला. ठीक है, अंगूर मिला, फिर एक कैपिटल लेटर में आएगा जी, लास्ट में ग्रेप्स के बाद फुल स्टॉप आएगा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद. ठीक है, और ये अल्फाबेटिकली लिखना है. ठीक है, फर्स्ट ए एन, फिर उसके बाद एन एलिफेंट फाउंड ग्रेप्स. ओके, उसी तरह ये भी और ये भी करना. ठीक है, आ डिक्शनरी बुक इस अ बुक दैट शोज ऑर्डर इन द ए बी सी ऑर्डर, क्या दिखाता है, जो एक डिक्शनरी बुक होते हैं जहाँ से हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग ढूंढते हैं, ये एक ऐसा बुक है दैट शो वर्ड्स इन ए बी सी ऑर्डर, ये हमेशा ए बी सी ऑर्डर में ही होता है, जैसे ये है ना वैसे ए बी सी ऑर्डर, सबसे पहले ए के वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, फिर उसके बाद बी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, फिर सी के, वैसे होता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, आप लोगों को अच्छे से ये रीड करना है, लर्न करना है. ठीक है, ये आपके T1 का सिलेबस है. ठीक है, T1 के सिलेबस में आएगी, इसीलिए अच्छे से ये लर्न करना है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.